सेक्स की बात अगर हम करें तो ये बेसिक नीड है और इसे ये डिमांड सबके पास है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। तो जब आप अपनी मर्जी से सब कर रहे हो तो उसके बाद कंप्लेन क्यों कर रहे हो? हमारे संस्कार नहीं कहता, हमारा हिंदू धर्म नहीं कहता कि शादी के पहले सुहागरात हो। जब शादी के पहले आप सुहागरात कर ही ले रहे हो तो पति मान ही ले रहे हो, उसके बाद अगर शादी नहीं हो रही है तो फिर 376 लगा रहे हो, तो आपका भी तो संस्कार जा रहा है। लड़की अपना चरित्र हनन तो खुद कर रही है, आप दूसरे को क्या दोष देंगे? किसने बोला था आपको बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना के इतना बिना शादी का पहले ही बिना पेरेंट को बताए बिना सारा कुछ कर लेना और जब फंसना तो उसके बाद पूरा देश में नाटक करना, पूरा प्रशासन से लेके तमाशा बनना? तो दोष तो लड़कियों का भी है। जो रेपिस्ट है वो भी उसी जेल में, और जो मोहब्बत करके गया वो भी उसी जेल में। तो ये कैसी सजा, ये कैसा कानून है? सबको एक तराजू में तो नहीं तोड़ सकते हम। अनर्गल बात करना, थेट्रोलॉजी करना, वो तो हम नहीं कर सकते ना, कि हम मुर्गे की एक टांग वाली बात कर रहे हैं। नहीं, लड़की है, महिला है, उसके लिए कानून बना हुआ तो उसका मिसयूज ऑफ पावर ये नहीं होना चाहिए, गलत है।